नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आपके स्पेस की स्टोरेज मतलब स्पेस आपका कम है तो स्पेस को कैसे यूटिलाइज करें, वार्डरोब आप कहां बना सकते हैं, किस तरह से आप लोड बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पहले अपने स्लाइडिंग वार्डरोब की। इसमें पहले हम कलर की बात करते हैं। कलर में हमने क्या कहा, यहाँ पर एक टीक कलर और बीच में हाइलाइटर डाल दिया ये। और अगर हैंडल की बात करें, ये हैंडल हमने रोज गोल्ड कलर का हैंडल लगाया हुआ है और सेम अप का रोज गोल्ड कलर ऊपर जो लॉफ्ट बनाई है उसमें हमने रोज गोल्ड कलर की प्रोफाइल जी प्रोफाइल यूज़ की हुई है। तो दोस्तों, हम पहले अंदर की बात करते हैं। अंदर में इसमें हमने जो स्पेस बनाया हुआ है वो इस तरह बनाया हुआ है। यहाँ पर ये हमारा हैंगर स्पेस आ जाता है यहाँ पर, और ये हमारी ड्रोर है, और ये हमारा एक फोल्डेबल सेल्फ हो जाता है। इसमें हम फोल्डेबल ये हमेशा इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर जैसे आपको कुछ बड़ा सामान रखना हो तो आप इसको हटाकर आप बड़े सामान के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर दो भागों में छोटे छोटे सामान है आपके पास तो आप दो भागों में इसको यूज़ कर सकते हो। इधर का दिखा देता हूँ मैं आपको। इधर का हमने क्या कहा है, सेम मतलब इक्वल साइज के आप यहाँ पर सेल्फ डाल दिए हैं। आपके इसमें आप फोल्डेबल आप कपड़े रख सकते हो उसमें, कोई कुछ भी। और अंदर ऊपर की बात करें तो ऊपर में हमने क्या कहा, ये पूरी स्टोरेज बनाई हुई है, लॉफ्ट बनाई हुई है। अब मैं आपको अंदर से खोल के दिखा देता हूँ इस तरह से। तो बात करें, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि आपका अगर रूम छोटा है तो आप स्टोरेज मतलब ज़्यादातर कहाँ पर बना सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि आपका स्पेस नहीं देखते, कहीं भी उन्होंने वार्डरोब बना दी। अगर हम बात करें कि कहाँ पर बनानी चाहिए, जैसे ये हमारा एंट्री गेट है, एंट्री गेट के जस्ट सामने अगर आपका बेड इधर आएगा तो आप यहाँ पर वार्डरोब बना सकते हो। और बात करते हैं इसी रूम में दूसरे वार्डरोब की। दूसरे वार्डरोब हमने यहाँ पर बनाई है जो कि बिल्डर स्पेस है, जो बिल्डर स्पेस जहाँ पर बिल्डर ने स्पेस दिया हुआ है। तो इसमें भी हमने क्या कहा, सेम एक ही थीम रखी है, सेम कलर है। और यहाँ पर ये हमने आई होप दोस्तों वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।